हॉस्पिटल से जाने का रास्ता मिल गया। क्या कर रहे हो? सोचो ये 20 किलोमीटर करने में मुझे कितना लिफ्ट लग गया, कम से कम 5-6 लिफ्ट लग गए मुझे। पोपट हो गया यार, चढ़ने उतरने में ज्यादा टाइम चला गया। ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಆನ್ ದ ವೇ ಆನ್ ದ ವೇ ಹಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋ ಕಿ ಸಮಝಾ ನಹೀಂ ಬಟ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗಾ ಆಪ್ ಕಿಧರ್ ಸೇ ಮೈನ್ ಲಾತೂರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀ ಬಟ್ ಮುಂಬೈ ಅರೆ ಆಪ್ ಲೋ ನಾ ಆಪ್ ಆಪ್ಕೋ ಜ್ಯಾದಾ ಖಾನಾ ಥೋಡಾ ಮುಜೆ ಥೋಡಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪ್ಯಾರೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಥೆ ಜಾತೆ ಜಾತೆ ಬೋಲೇ ರುಕೋ ಏಕ್ ಚಾಯ್ ಪೀ ಕೇ ಜಾತೆ ಕ್ಯಾ ಹಾ ಏಕ್ ಚಾಯ್ ಭೀ ಪಿಲಾಯಾ ಔರ್ ಫಿರ್ 500 ರೂಪಾಯ ಭೀ ದಿಯೇ गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है बहुत दिन, आज डे 17वां है मेरे फ्री भारत यात्रा का एंड मैं हूँ इस अमेजिंग से प्लेस गौरी रेस्टोरेंट में जहाँ मैंने 4 दिन बिता दिए। लेट्स एंजॉय द आखिरी मोमेंट इन दिस हम्पी एंड दिस ब्यूटीफुल गौरी रेस्टोरेंट। तो इसके बाद हम जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ मत्तूर, यहाँ से 230-240 किलोमीटर है लगभग, तो पता नहीं आज शाम तक पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। अरे भाई हमेशा हेल्प किया उन्होंने, जब भी कितने 11 बजे मांगो खाना तो आप ला देते थे भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई भी अपने हिमाचल से एंड तो यही तो बात है, देखो अब इंडिया में हो, कर्नाटक आए हो, हम्पी जैसे शहर में भी लोग कहाँ कहाँ से आके काम करके रोजी रोटी कर रहे हैं अपना, तो ये यही चीज़ मतलब देखने जैसा है कि अब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यहाँ रेस्टोरेंट में दोनों जन जो काम करते हैं वो हिमाचल से है, वो यहाँ हम्पी से नहीं है। टेंट है पूरा, ऑलमोस्ट बैग तो पैक है, गैजेट्स है यहाँ पे रूम में है। सो आखिरी मील हम्पी का, सो टाइम टू लीव। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। यस यस अ लॉट, फील्स लाइक होम, घर जैसा फीलिंग है एंड डिफरेंट फीलिंग है, घर छोड़ के जाना ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 4 डेज, अच्छा ऑलमोस्ट 5 डेज नाउ, सो अच्छे एक अच्छा फीलिंग एंड ऑल थैंक्स टू अन्ना एंड ही हेल्प मी अलॉट सीरियसली। तो आप जब भी कभी हम भी आना तो प्लीज़ गौरी होटल में ही आना, अन्ना एज अ गुड होस्ट डेफिनेटली यू विल एंजॉय। मैं अभी जा रहा हूँ शिवमोगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स है। चलो बाय 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 बाय, हैप्पी जर्नी, हैव अ गुड टाइम। यस बाय बाय बाय। फाइनली इस प्रॉपर्टी को बाय बोलने का टाइम आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ कुछ नए एडवेंचर के साथ। ये था पूरा हम्पी का सफ़र, काफ़ी ब्यूटीफुल था ये प्रॉपर्टी एंड यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे, बट अपना क्या है, अपने को तो आगे और निकलना है, और जाना है, और ट्रैवल करना है। अभी मैं जा रहा हूँ शिवमोगा बिकॉज वहाँ पे अभी भी एक गांव है जहाँ संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, पूरा अपना एंशियंट जो भी हम जो पहले का कल्चर था वो मुझे देखना था, तो मैं सोचा वहीं जाते हैं। यहाँ से 220 किलोमीटर है, थोड़ा लेट हो गया मैं, बट ट्राई करेंगे पहुँचने का जल्दी शिवमोगा। फिर से कभी प्लान होगा तो मैं हम भी ज़रूर आऊँगा। सो मुझे पहला लिफ्ट मिल गया है ना, हॉस्पिटल नहीं चलेगा, कहीं भी चलेगा। आप कहाँ से? प्रॉपर मैं मुंबई। मुंबई सो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड मैं निकल चुका हूँ सनापुर से एंड गुड नेम राघवेना एंड पहला लिफ्ट मुझे दिन का मिल चुका है एंड मुझे जाना है यहाँ से शिवमोगा जो कि है 220 किलोमीटर। नहीं रुकी, कोई बात नहीं, दिन की शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वार्म अप हो लेता हूँ। आगे लिफ्ट, अरे वाह लिफ्ट मिल गया। हिंदी आप किधर जा रहे हो? ऐसे गांव में मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल का रास्ता जिधर भी आएगा उधर छोड़ देना, ठीक है? हाँ चलो अन्ना, ये हॉस्पिटल से जाने का रास्ता मिल गया। हॉस्पिटल आप किधर? हिंदी आता हाँ। नहीं उधर तक नहीं चलेगा, इधर भी जाएगा उधर तक छोड़ देगा। क्या कर रहे हो? मैं इंडिया घूम रहा हूँ, लिफ्ट ले लेके हाँ, पूरा इंडिया आया हाँ। अब किधर चलेगा? शिवमोगा हाँ।
अन्ना हॉस्पिट हाँ थैंक यू अन्ना अन्ना मेरे को छोड़ रहा हॉस्पिट हिंदी हाँ हिंदी अच्छा तो मैं आज शिवमोगा जाना है शिवमोगा हॉस्पिट से उधर जाएंगे ना थैंक यू भाई भाई हाँ फंक यू करके है देखना जरूर अभी मैं हॉस्पिट के हाईवे पे हूँ सोचो ये 20 किलोमीटर करने में मुझे कितना लिफ्ट लग गया कम से कम 5-6 लिफ्ट लग गए मुझे एंड अभी बज रहे हैं 12:15 हो रहा है 11 बजे निकला था ठीक है 20 किलोमीटर एक डेढ़ घंटे में नॉट बैड अच्छा चल रहा है चलो और पकड़ते हैं अपने इंडियन ट्रक्स के हॉर्न भी मस्त रहते एकदम लिफ्ट मिल जा नहीं होना यार कोई दे ही नहीं रहा है लिफ्ट यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिल रहा है यार यहाँ पे काफी टाइम से खड़ा हूँ ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया लिफ्ट नहीं मिल रहा है या फाइनली आफ्टर 30 मिनट अन्ना किधर जा रहे हो आवाज नहीं आ रहा रुको आता ऊपर आता हूँ शिवमोगा जाना शिवमोगा के रास्ते में आना शिवमोगा रास्ते तो रहे ठीक है आप उतार देना उधर का थैंक यू अन्ना करके जाएगा हाँ पूरा लिफ्ट करके ही आया मैं मुंबई से यहाँ तक सो इतना बड़ा पचका मुझे लगा लंबा जाएंगे बड़े तो मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर ही गए पोपट हो गया यार चढ़ने उतरने में ज़्यादा टाइम चला गया इतना ऊपर चढ़ना बैग लादना फिर वापस उतारना सो इतने बड़े बड़े पंखे होने के बाद भी गर्मी लग रही है पता नहीं क्यों बट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इसको फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा खुल नहीं रहा अभी खुला थैंक यू अन्ना जाते अब हिंदी थोड़ा बहुत थोड़ा आता है हाँ थोड़ा आता है ना चलो कनाडा कनाडा सो अन्ना ने मुझे छोड़ दिया कुडलिगी में वो कहीं और जा रहे थे बल्लागिरी कोई बड़ा लिफ्ट नहीं मिल रहा यार सब 15, 10, 20 वैसे ही मिल रहा है कोई बड़ा लिफ्ट चाहिए जो थोड़ा लंबा जाए बार बार उतरना चढ़ना थक जा रहा हूँ सो भाई लोग आ गया मेरी सवारी यहाँ पे भी रुकना पड़ा मुझे 20 मिनट से ज़्यादा अब भागते हैं सर थैंक यू शिवमोगा चलेगा आप किधर भी रास्ते में छोड़ दोगे चित्रदुर्गा चलेगा थैंक यू सर लॉक थैंक यू सर आप किधर से मैं लातूर महाराष्ट्र अरे महाराष्ट्र मी पण मुंबई अच्छा तो चित्रदुर्गला किती टाइम लागणार चित्रदुर्गला टाइम लागणार 2-2.5 तो 5 बजे तक मैं चित्रदुर्ग पहुंचूंगा अभी बज रहे हैं 2 यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है लिफ्ट मांगना सो काका अभी जा रहे हैं नावे यहाँ पे बना हुआ है अच्छा है तो काका चित्रदुर्ग तक छोड़ रहे हैं एंड कोई तो ढाबा में हम रुके हैं मैं भी उतर के जा रहा हूँ मुझे भी बुला रहे हैं और मैंने भी ज्यादा सुबह से एक बार पराठा खाया था अभी बज रहे हैं 4 तो भूख तो लग गई है तो ये राजस्थानी ढाबा है अभी हम कुछ खाएंगे तो काका मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आप ये ले लो ना आप ये ले लो ज्यादा हो जाएगा अरे आप लो ना आप आपको ज्यादा खाना है थोड़ा मुझे थोड़ा लगता है नहीं बस लो लेट्स गो वीडियो शूट हो रहा है
वीडियो बना रहा है ना थैंक यू काका थैंक यू ठीक है चलो काका बाय बाय तो लास्ट में भी जाते जाते चाय पीते हैं चला चाय पी भैया बाय काका बहुत ही प्यारे इंसान थे जाते जाते बोले रुको एक चाय पी के जाते इतना हेल्पफुल बोले रात के खाने के लिए भी कुछ ले ले पार्सल बोला नहीं नहीं इतना नहीं आपने जितना कर लिया उतना काफ़ी है आपका सफ़र यहीं तक था आपने बहुत हेल्प कर दिया यहाँ से शिवमोगा है 120 किलोमीटर अभी मैं जा रहा हूँ बीचों बीच हाईवे है अभी थोड़ा सनसेट हो गया है सनसेट हो गया तो एक और टेंशन होता है कि रात को ट्रैवल नहीं करता हूँ तो जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा तो 100 किलोमीटर मुझे कवर करना पड़ेगा थैंक यू बाय बाय तो थोड़ा पेस पकड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 बज गया है ना अभी भी 120 किलोमीटर रह गया है हिंदी मुंबई महाराष्ट्र इंग्लिश यस आई एम हिचहाइकिंग आई एम टेकिंग लेफ्ट एंड ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया बाय बाय हाँ बी सेफ यस ज़रूरी है सेफ होना आगे 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 जाना थैंक यू हाँ यूट्यूब यूट्यूब पानीपुरी खिला रहे हैं यहाँ से स्टिल 106 100 किलोमीटर मोर पानीपुरी पानीपुरी आप क्या खा रहे हैं हाँ यहाँ पे पानीपुरी एक अलग से पानी देते हैं फिर अपन को धीरे धीरे सब में डाल के खुद से खाने का तो यहाँ पे पानीपुरी खुद से खाने का अपना डाल देंगे अपना अपना जितना जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उतना पानी ले लो एंड डालते रहो एंड खाते रहो थैंक यू क्यों होगा चलेगा थैंक यू अरे वाह आप किधर शिवमोगा जा रहे थैंक यू सो मच थैंक यू आप किधर इधर से हम बेंगलोर से बेंगलोर से मैं पूरा इंडिया टूर कर रहा हूँ हाँ लिफ्ट लेके हम नॉर्थ इंडियन है भाई अच्छा कहाँ से राजस्थान से आपने क्या सोच के लिफ्ट दिया मैंने मैं लोकल आदमी समझकर मैंने लिफ्ट दिया अच्छा अच्छा ये रूट में पहली बार जा रहे हैं अच्छा ये पहली बार जा रहे हैं तो टिप टूर से जाते हैं वो नजदीक पड़ता है लेकिन हमने पहली बार इस रूट से जा रहे हैं हाँ, तो सोचा लोकल रहे तो हेल्प कर देगा हेल्प कर देगा हाँ, उस बट मैं तो लोकल नहीं निकला नो प्रॉब्लम 50-60 किलोमीटर दूर है नसीब अच्छा है कि भाई ये गाड़ी मिल गया मुझे ये भाई साहब तो नसीब से शिवमोगा जा रहे थे एंड तभी उन्होंने मिल गए एंड ऑल जो भी होता है हो जाता है तो आज हम जा रहे हैं शिवमोगा हेलो हाय थैंक यू थैंक यू सो लिफ्ट के साथ साथ उन्होंने मुझे ये 500 रुपीज़ भी दे दिया फर्स्ट नाइट है तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता तो ये आज मेरी तरफ से लॉज में रुक जाओ वाह थैंक यू भाई तो फिलहाल तो मैं बहुत बड़े होटल के बाहर हूँ वहाँ तो नहीं जा रहा देखते हैं कहाँ जाते हैं एक्चुअली बहुत थक गया हूँ आज मैं वो सोच ही रहा था कहाँ रुकूँगा खुद ही पूछे कि कहाँ रुकने वाला है मैं बोला कुछ पता नहीं टेंट है टेंट लगा के सो जाएंगे तो पता नहीं फिर उनका क्या मन हुआ बोला ये मेरे तरफ से आप रुक लो अच्छे से सो एंड आगे की जर्नी कंटिन्यू करो तो मैं आ गया हूँ शिवमोगा एंड ये काफ़ी अच्छा डेवलप सिटी है ये काफ़ी कुछ है यहाँ पर आज तो पॉसिबल नहीं है मत्तूर विलेज जाना क्योंकि रात हो गया है एनी विच वेज तो आज बहुत थक गया आज मैंने कितना लिफ्ट लिया यार छोटा छोटा करके बहुत दूर था मतलब 250 ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स मैंने कवर किया लिफ्ट लेके विच इज़ नॉट ईजी गर्मी में बिल्कुल ईजी नहीं है बट स्टिल मुझे पहुँचना ही था कैसे भी करके पहुँच गया शिवमोगा और भगवान भरोसे छोड़ा भी 100 किलोमीटर
एंड चाय भी पिलाया और फिर 500 रुपये भी दिए. ओह गॉड इज ग्रेट. सो मैं सस्ता रूम की कल तलाश में था तो अन्ना मेरे को बोले डॉर्मेट्री हो जाएगा. थैंक यू अन्ना. तो 700-800 का रूम है बट पॉट बोलने के बाद अन्ना ने 500 में करके दिया. थैंक यू. बोला बट एक शर्त है, ऊपर का रूम मिलेगा. मतलब कोई बात नहीं, अभी जवान है इतना तो चल सकते हैं. और ऊपर लास्ट फ्लोर टेरेस. सो बट एक है लास्ट फ्लोर मिला है छत पे. एक बुरा एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा अभी. हाँ चलेगा. पानी आता ना 24 आवर्स. हाँ एक बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ मेरे साथ, अभी मैं शेयर करता हूँ. तभी बहुत हसल में था कि कैसे भी करके रूम ले लूँ, बहुत थक गया था. फाइनली एक बुरा एक्सपीरियंस ये था तो मैंने एक रिक्शा वाले को पूछा भाई मेरे को डॉर्मेट्री चाहिए. तो फिर हुआ कि वो मेरे को बोला कि नहीं नहीं आप चलो मेरे साथ. मैं बोला मैं 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ मैं आपको, अब जस्ट मेरे को बता दो, गाइडेंस दे दो कि कहाँ है. बोलता नहीं नहीं रिक्शा में बैठो, मैं उधर करा दूंगा बाजू में. तो मैं मुझे पता था थोड़ा सीन होगा क्योंकि एक बार रिक्शा में बैठ गया ना आप ऐसे तो वो पीछे पीछे लग जाते हैं. एक्सपीरियंस था फिर भी पता नहीं, मेरे उस टाइम पैनिक था कि फटाफट लेके ख़त्म कर लेते हैं. तो मैंने ठीक है तो वो मुझे लेके गया. तो मैंने 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 सीधा मैं बोला आप मत बात करो मैं बात करूँगा ना, आपने खाली जगह दिखा दिया मेरे लिए वो काफ़ी था. तो मैंने बात किया तो वो सेम चीज़ रूम मेरे को, बहुत बेकार रूम था बट वो 300 में पर्सनल रूम मिल रहा था. तो मैंने बोला ठीक है 300 में मिल रहा है तो बेस्ट है, मतलब अपना इतना लग्जरी वाला ये हैवी नहीं लाइफ. एक गद्दा मिल गया, थोड़ा वॉशरूम मिल गया, काफ़ी मेरे लिए, इससे तो काफ़ी ख़राब था आप समझ जाओ. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है 350 बोला था, मैंने 300 में लॉक कर दिया. तो मैं नीचे उतरा, बोलता है नहीं 500. ऑटो वाला बोलता है मेरे को 500 लगेगा. मैं बोला क्यों लगेगा भाई 500 रुपये. मेरा अभी जस्ट ओनर मतलब ओनर ने जो भी मैनेजर से बात किया उससे बात हो गया 350 का, मैंने बार्गेन भी करा लिया 300 में. बोलता है कन्नड़ में बोला कि तू 500 ही देगा ऐसा, 500 मेरे पीछे लग गया 500 का, अभी उसका कमीशन जो भी रहेगा 100-150. तो मैंने ओनर मैंने मैनेजर को बोला फिर भाई ये क्या तरीके से बात कर रहा है, ये क्या किस और ये क्यों बात कर रहा है. तो एंड दे स्टार्टेड लाफिंग. अभी उन लोगों का आपस में ही था, अब मेरे को नहीं आता कन्नड़ा समझ में यार. तो बोलता है ऑटो वाला मेरे को धमकी दे रहा है, हाँ तेरे को देख लेगा तू, मेरे को 500 बोला. मैं बोला 500 बोला तो अच्छे रूम का बोला ना, किसी रूम का भी 500 नहीं दे देगा. मैं बहुत शांत बंदा हूँ भाई, मैं बहुत शांत बंदा हूँ बट जब इस पे आ गया ना तो मैं बोला ओके. मैंने भी अपना चालू कर दिया भाई, एकदम ड्रामा उधर हो गया, पूरा ड्रामा हो गया क्योस. मैं बोला फक यू, अपना अपना सामान रखो, मैं निकल रहा हूँ और मेरे पीछे आना भी मत. तो मेरे पीछे पीछे भाग के आ रहा था वो. तू बोला 500 अरे भाई. मैं बोला क्या मतलब, अब तक का ट्रिप इतना अच्छा हो रहा था, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले एंड ये पूरा मेरा मतलब बीटी कर दिया मेरे ट्रिप को इसने लास्ट में. मतलब अच्छा ट्रैवल हो रहा था, मतलब ये भी एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है, ये सब भी होता ही है, दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रैवल. तो मैंने फिर 2 मिनट शांत हुआ, मैं बोला ये दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रैवल, शांत हो जाते हैं एंड ये तो ऐसे लोग मिलते हैं. अब मैंने सोचा कि 100 अच्छे लोग मिले सुबह से तो एक तो ये गंदा मिल गया तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आई डोंट केयर. तो मैं चुपचाप बोला अन्ना तू जा अभी, मेरे को नहीं चाहिए तेरे से रूम एंड जो भी होगा तू जा अभी. अब मैं खुद से फिर मैंने फिगर आउट किया एंड मैं यहाँ पहुँचा, चल के आया. थक गया यार, बहुत थक गया आज बहुत थक गया. बट ऑल थैंक्स टू पीपल. अभी थोड़ा पॉजिटिव लाते हैं, अभी हो गया नेगेटिव. आज सुबह से ना मुझे बहुत अच्छे जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग मिले यार एंड ये जर्नी काफ़ी अच्छा था. आज सच में मुझे ना ही खाना मांगना पड़ा, ना ही मुझे पानी मांगना पड़ा एंड अपने आप ऑटोमेटिकली होता गया. थोड़े टाइम में चिप्स, थोड़े टाइम में ये, थोड़े टाइम में जो भी मिल रहा था ना वो ऑटोमेटिकली दे रहा था. मतलब मैंने एक बार भी उनसे बोला नहीं भाई मेरे को भूख लगी है, मेरे को खिलाओगे क्या, ऐसा जैसा मैं यूजुअली करता हूँ कभी कभी जब नहीं मिलता है. बट सुबह से अच्छे से ही मैं हूँ, अभी भी मेरे को खाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं खाने वाला हूँ. मेरा रात हो चुका है, मेरा मतलब रास्ते में घर में बहुत कुछ खा लिया तो अब मैं नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि ओवर ईटिंग नहीं करना. जितना अपने को मिल रहा था वो अच्छी बात है. अब ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस के बाद अब मैं करने वाला हूँ अभी आराम. व्हाट अ डे. 10-12 किलोमीटर है मत्तूर विलेज, तो मैं सुबह निकल जाऊँगा यहाँ पे. मुझे नहीं रखने का शौक है और ना ही रहूँगा मैं, सिटी लाइफ मुझे नहीं चाहिए था. फिर भी अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल है मेरे ऊपर है नहीं, तो जहाँ मुझे लिफ्ट मिलता है मैं पहुँच जाता हूँ एंड वहाँ पर फिगर आउट करता हूँ. दिस इज़ नॉट ईजी दैट आई हैव प्लान समथिंग कि मैं यहाँ रुकूंगा वहाँ जाऊँगा, ये कुछ मेरा कोई प्लान नहीं है एंड जो होता है वो विद द फ्लो है. तो फिर यस आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं.
बट हम्पी वॉज ग्रेट एंड पूरा ट्रैवल वॉज गुड, सब मजा आया, बहुत अच्छा लगा. एंड शिवमोगा तक बहुत सही था, सिर्फ लास्ट में ही थोड़ा इंसिडेंट हुआ, उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम, अच्छी अच्छी चीजें याद करते हैं. होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड आपके मन में जो भी कुछ है कमेंट करके मुझे बताओ, कुछ भी पूछना है बताओ. चाहिए तो मैं Q&A राउंड भी रखता हूँ, एक क्वेश्चन आंसर राउंड, पूरा वीडियो में खाली हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे. जो भी आपको दिल में क्वेश्चन है, जो भी दुनिया भर के क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो एंड मुझे फिर मैं उसके लिए एक साथ बैठ के आपको सब रिप्लाई दूंगा. एंड टिल देन चैनल को नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि मैं जाने वाला हूँ संस्कृत विलेज जो कि है मत्तूर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर. चलो फिर बाय, मिलते हैं कल. ये पूरे गाँव में ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, लॉक्ड है. राइट है, नो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आज ट्राई करता हूँ राइट से खाने का. आप किधर जा रहे हैं? हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, कन्नड़ा. कोकोनट में आल्ट करते हैं. अच्छा, कोकोनट उसका ही ये. हिंदी नहीं, संस्कृत. संस्कृत आता है? संस्कृत नहीं आता, कोई बात नहीं. ओहो क्या ब्यूटीफुल है यार ये तो. काफ़ी सुंदर गांव है, छोटा सा गांव है, पर बहुत सुकून वाला गांव है. अभी भी वहीं से चल रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ.